अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बीफ कोरमा। चलो आओ देखते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर बीफ, उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। उसमें डाला है मैंने नमक। उसके बाद हम डालेंगे खड़े मसाले जो कि मैंने लिया है 2 अदद इलायची, 2 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद हमें डालना है 1 तेज़पत्ता। उसके बाद हमें उसे उबाल कर ले लेना है अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है, उसमें हमें तेल गरम करना है। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही तेल डालें। उसके बाद हमें उसमें डालना है प्याज, तो मैंने यहाँ पर ले ली थी 3 बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना ही लेना। प्याज को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया हो तो। प्याज हमारी यहाँ पक रही है, देखिए हमारा गोश्त भी पक चुका है अच्छी तरह से। इसको रख देंगे साइड में। अभी हमें पेस्ट बना के लेना है काजू और बादाम का। देखिए हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी हो चुकी है गोल्डन ब्राउन। देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो हमें ये प्याज को एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमें पूरी प्याज को निकाल लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद हमने वही तेल में गोश्त डाल दिया है, जो हमने गोश्त को उबाल लिया था वही गोश्त डाल देंगे उसी तेल में। उसके बाद हमें कुछ सूखे मसाले लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सूखे मसाले लिया है, उसमें 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसालों को डाल देंगे और मसालों को अच्छे से पकने देंगे। जब तक हम प्याज को अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके लेंगे। उसके बाद हमें प्याज भी उसी में डाल देंगे। हमें यहाँ दही डालना है। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिए थे, उसको अच्छी तरह फेंट कर डालेंगे। उसके बाद हमें काजू बादाम का जो पेस्ट बना के लिया था वो भी डाल देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट से अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ और उसे पकने देंगे 10 मिनट तक पकने देंगे। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ी नहीं निकाली हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे प्रोसेस। देखिए ये हमारा सालन पक चुका है। जितना आपको शेरवा लगता है उतना शेरवा करिए। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला था। उसके बाद हमें ऊपर से हरा धनिया काट कर डाल देना। देखिए इसी तरह से बारीक हरा धनिया काट कर डाल दें। हमारा कोरमा तैयार हो गया है, बीफ कोरमा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।